बिग बॉस 13 में अपनी दिलकश अदा और खूबसूरत अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। शहनाज गिल के करोड़ों की संख्या में फैंस हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक्ट्रेस को इंस्टा पर करीब 11 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैंस एक्ट्रेस से कितना प्यार करते हैं। फोटो देखकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं, लेकिन जिस तरह से शहनाज के लिए फैंस की आंखों में प्यार दिखाया जा रहा है वो देखकर शायद आप भी कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। दरअसल हाल ही में शहनाज गिल HT मोस्ट स्टाइलिस्ट अवार्ड फंक्शन में पहुंची थी। इस दौरान यहां मौजूद फैंस शहनाज को देखकर इमोशनल हो गए। वहां मौजूद एक लड़की तो एक्ट्रेस को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी फैन को रोता देख शहनाज गिल से बिल्कुल रहा नहीं गया और वो किस तरह से उन्हें गले लगाकर प्यार जता रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैन शहनाज को किस भी कर रही है। शहनाज गिल के फैंस के साथ ये इमोशनल इंटरेक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग इस पर अपनी राय भी दे रहे हैं। बता दें शहनाज गिल अवार्ड फंक्शन में ग्रे कलर की गाउन में पहुंची थी, साथ इन्होंने बालों का बन बनाया हुआ था। एक्ट्रेस इस आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को काफी पसंद भी आया। वहीं बॉयफ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नजर आने वाली। ये फिल्म इसी साल 30 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शहनाज गिल के अलावा पूजा हेगड़े, राघव जुएल और तेलुगु एक्टर भी शामिल हैं। तो आप शहनाज गिल के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप और अनीता का शूटिंग सेट से एक बिहाइंड वीडियो सामने आया है जिसने फैंस का दिल खुश कर दिया। ये उस वक्त का वीडियो है जब पवनदीप और अनीता उत्तराखंड के चंपावत में अपने गाने की शूटिंग करने गए थे। चंपावत शूटिंग के कई सारे वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि अब एक और वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें पवनदीप और अनीता उनकी पूरी टीम किसी होटल जैसी जगह पर दिखाई दे रही है जहां पर ये रुके थे, जहां पर इन्होंने रुककर पूरी शूटिंग तैयार की। ये वही जगह है जिस होटल में इन्होंने पवनदीप और अनीता ने और इनकी पूरी टीम ने खूब एंजॉय किया था। एक शख्स इनकी वीडियो बाहर बैठकर बना रहा है, वो दिखा रहा है कि टॉप फ्लोर पर पवनदीप और अनीता बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और कुछ देर बाद जब पवनदीप उस बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। पवनदीप एक एक करके सबके साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं। वीडियो में चारों तरफ का नजारा भी दिखाया जा रहा है। आसपास का नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहाड़ों पर रहकर संघर्ष करना कितना कठिन है और वो सब पवनदीप ने देखा है, किया है और अभी भी कर रहे हैं। पवनदीप ने इन्हीं पहाड़ों पर रहकर अपने सपने साकार किए और आज पवनदीप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो अपने उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने में लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग पवनदीप को जानने लगे हैं और अब हर जगह पवनदीप का ही जलवा दिखता है। तो आप पवनदीप को अब तक कितना जान पाए कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बारिश का मौसम कपल्स के लिए बहुत स्पेशल होता है। बारिश देखकर उन्हें अपने पार्टनर की याद आती है, इस बारिश से खेलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त अरुणिता कांचीलाल बारिश का मजा ले रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और पवनदीप को बुला रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल को बारिश बहुत पसंद है और अगर बारिश के वक्त अरुणिता कोई काम कर रही होती हैं तो वो उस वक्त काम छोड़ देती हैं और बारिश में भीगने चली जाती हैं। बारिश में नाचती हैं, गाती और खूब कूदती हैं। अरुणिता बारिश के लिए अपनी हेल्थ से भी रिस्क ले लेती हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो बीमार पड़ जाएंगी। अरुणिता की क्यूट बारिश वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें अरुणिता ब्लैक शॉर्ट कुर्ता और लेगिंग पहने बारिश में नाच रही हैं, हाथों को फैलाकर घूम रही हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो इस वीडियो में पवनदीप का नाम लेकर उन्हें बुलाती नजर आ रही हैं। जी हाँ, अरुणिता भी बारिश में पवनदीप के संग भीगना चाहती हैं। पवनदीप को भी अपनी इन पागलपन वाली हरकतों में शामिल करना चाहती हैं, लेकिन सीधे साधे पवनदीप से ये सब कहाँ होने वाला। वो अरुणिता को भी मना करते रहे और खुद भी नहीं गए, लेकिन अरुणिता उनका हाथ पकड़कर बारिश में खूब भीगी हैं, जिसकी पिक्चर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही हमें पवन अरुणिता के बारिश के रोमांटिक पिक्चर मिलेंगे हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे।
पवन अरुंधा दिन पर दिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और अपने काम को पूरा वक्त दे रहे हैं। लोग इनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, तड़पते हैं। और तो और इनकी वजह से सुपरस्टार सिंगर 2 शो को भी टीआरपी की लिस्ट में अब जगह मिल गई है। जी हां, अब तक सुपरस्टार सिंगर 2 टीआरपी की टॉप लिस्ट से बाहर था, लेकिन अब सुपरस्टार सिंगर 2 ने सिर्फ पवन अरुंधा की वजह से ही शो में टॉप 10 की लिस्ट में 8वीं जगह बना ली है और आने वाले हफ्ते में ये और ऊपर तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पवन अरुंधा से मिलने की इच्छा अब एक और स्टार ने जताई है। वैसे तो इस शो में लगातार एक से एक जबरदस्त गेस्ट आते हैं और इस बार के वीकेंड में जावेद अख्तर जी आ रहे हैं। जावेद अख्तर ने स्पेशली कहा है कि वो पवन अरुंधा की आवाज लाइव बैठकर सुनना चाहते हैं, इसलिए वो इस बार के एपिसोड में आना चाहते हैं। वहीं इनके अलावा पवन अरुंधा के लिए एक और खास और सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है। जी हां, पवन अरुंधा को अब साउथ इंडस्ट्री का मौका मिला है। साउथ इंडस्ट्री की शान कहे जाने वाले डायरेक्टर साई देवी प्रसाद ने पवन अरुंधा को बड़ा ऑफर दिया है। साई देवी प्रसाद जो कि हाल ही में पुष्पा राज फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, ये फिल्म कितनी हिट गई वो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। अब साई देवी प्रसाद पवन अरुंधा को अपनी फिल्म में लाना चाहते हैं, मतलब कि अपनी फिल्म के लिए इनसे गाना गवाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो वाकई पवन अरुंधा की किस्मत खुलने लगी है और अब उन्हें ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। पवन अरुंधा भी अब एक कामयाब सिंगर बनकर रहेंगे। तो आप पवन अरुंधा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हर तरफ सुपरस्टार सिंगर 2 के नन्हे सिंगर मनी ही मनी छाए हुए हैं। पंजाब के रहने वाले मनी लाइमलाइट बटोरने का शायद ही कोई मौका छोड़ रहे हो। हर एपिसोड में मनी की चर्चाएं हो रही हैं। हो भी क्यों ना, आखिरकार मनी को इतनी छोटी उम्र में वो सब मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने में ही सातवें आसमान पर वो पहुंच चुके हैं। मनी ने शो में आए हर एक गेस्ट को अपना दीवाना बना लिया, फिर चाहे वो अनिल कपूर हो जो उनकी परफॉर्मेंस देखकर फूट फूट कर मंच पर ही रोते दिखे थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता तो मनी की इस कदर फैन हुई कि इन्होंने मनी के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था। इनके अलावा कैंसर से जूझ रही छवि मित्तल तक मनी की माँ स्पेशल एपिसोड देखकर भावुक हो गई। उन्होंने मनी को खास गिफ्ट भी दिया और इन सबसे बड़ा तोहफा तो मनी को तब मिला जब एक सितारा मनी के पास उनका ऑटोग्राफ लेने आया। जी हाँ, पहले ऑटोग्राफ की कीमत क्या होती है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। अपना पहला ऑटोग्राफ देने का एहसास वाकई बड़ा खास होता है। ये इस बात का सबूत होता है कि आपने शोहरत और स्टारडम छू लिया है। हर सेलिब्रिटी को अपना पहला फैन और अपने पेन से निकला वो पहला ऑटोग्राफ हमेशा याद रहता है, जो उनके स्टारडम का पहला दिन होता है। कुछ ऐसा ही सोनी टीवी के सुपरस्टार सिंगर 2 के हमारे नन्हे सुपरस्टार मनी के साथ हुआ, जिन्होंने शनिवार वाले दिन जिंदगी के सुपरस्टार स्पेशल में अपने नंबर वन फैन हितेश रामचंदानी को अपना पहला ऑटोग्राफ दिया। ये पल उनके लिए जिंदगी भर के लिए एक सुनहरी याद बन गया है और इसे कभी भूला नहीं जा सकता।